भाई महेंद्र थार क्या ही कहने, सामने से पूरा बोनट विजिबल होना और भाई ताकत नहीं हाइट पे। भाई एक चीज मुझे इसकी नहीं, इसमें बॉडी रोल, एक तो गाड़ी का सस्पेंशन यार बहुत हिलती है गाड़ी, जरा से भी झटके आते हैं ना पूरी गाड़ी हिलने। हेलो भाई, मैं हूँ अनी गंगवार। भाई आज अपने सामने खड़ा हुआ है महिंद्रा का बुलडोजर, भाई महिंद्रा थार 4x4 डीजल में है ये, एलेक्स वेरिएंट, इसका हार्ड टॉप भाई सबसे ज्यादा बिकने वाला मॉडल है। वैल्यू फॉर मनी भी हो जाता है क्योंकि अपने हिसाब से, और इसीलिए बिकता भी ज्यादा है, इसीलिए बहुत कॉमन मॉडल ये हमें देखने के लिए भी मिल जाता है। केवल भाई शो ऑफ के लिए चलाना है ना शहर में, केवल महिंद्रा थार का शौक पूरा करना है ना, तो उनके लिए 4x2 महिंद्रा ने लॉन्च कर दिया है, जो कि आपको 10 से 12 लाख रुपए ऑन रोड पड़ जाता है, काफ़ी बढ़िया हो जाता है वो इसीलिए। बाकी अगर मैं इसकी बात करता हूँ, 2200 सीसी का हमें इसमें इंजन देखने के लिए मिल जाता है, जो 130 bhp की पावर हमें निकाल के देता है, तो भाई ये भी काफ़ी बढ़िया है। बाकी तो इसको अभी हम बैठेंगे और पंजा रख के देखेंगे कितनी ताकत है इसमें, ये तो सब नंबर है भाई। बाकी तो जो मैं हमेशा कहता हूँ ना, पंजा रखने से पता चलता है कितनी ताकत है गाड़ी में भाई, बाकी तो सब मोह माया। चलिए बाकी गाड़ी में बैठता हूँ, गाड़ी को चलाते हैं और चला के देखते हैं कार को। भाई अब भाई अब अपन महिंद्रा थार को चला के देखते हैं। इसमें ये आप देखेंगे यहाँ पर तो दो गियर अपन को देखने के लिए मिलते हैं, ये 4x4 के लिए होता है, अभी अपन ने इसे 4x2 में ही लगा रखा है, और ये अपन का 6 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन मिल जाता है, रिवर्स सीक्वेंशनल है इसमें। भाई रिवर्स की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो ये इस तरह से उठा के, इस तरह से ये यहाँ पर कुछ कैमरे की भी क्वालिटी हमें देखने के लिए मिल जाती है। चलिए बाकी तो फर्स्ट गियर डालते हैं और इसे चला के देखते हैं। बाकी अगर मैं इसकी बात करता हूँ ना कार की, यार भाई आप सामने से देखेंगे ना इसका बोनट आपको पूरा विजिबल होगा यहाँ से, आप अपने जब भी इसमें बैठेंगे एक तो ऊंचा ऊंचा इतना फील होगा, आपको लगेगा कहाँ आके बैठ गया, सब नीचे नीचे से एकदम दिखेगा क्लियर बिल्कुल। हमारे साथ के भाई कैमरा मैन ने सीट बेल्ट नहीं पहनी है, पहले पहन लो भाई। भाई महिंद्रा थार क्या ही कहने, जब इसे चलाते हैं, फिलहाल तो मैं चला ही रहा हूँ अभी इसे, भाई एक तो सामने से पूरा बोनट विजिबल होना और भाई ताकत, मतलब अभी जस्ट लगेगा मैंने दूसरे गियर में कार कर रखी। अब देखना मैं इसे खींचता हूँ, अभी ये अंकल निकल के आते हैं, फिर इसे खींचता हूँ, जो यार उठ के भागती है गाड़ी। ये देखिए आप सीन इसका, ये देखिए भाई, मतलब एक अलग ही सीन, ऊपर से आप इतनी हाइट पे। भाई एक चीज मुझे इसकी नहीं, इसमें बॉडी रोल, एक तो गाड़ी का सस्पेंशन यार बहुत हिलती है गाड़ी, जरा से भी झटके आते हैं ना पूरी गाड़ी हिलने लगती है, जैसे पुरानी वाली स्कॉर्पियो नहीं आती थी पूरी हिलती थी यार, उसी तरह का कुछ सीन इसका देखने के लिए मिलता है। महिंद्रा का सस्पेंशन इतना बढ़िया नहीं है इस गाड़ी का यार। बाकी यार इसके पिकअप में तो कोई दिक्कत नहीं है, और 4x4 अगर मैं इसकी बात करूं भाई ताकत में तो मतलब एक तरह से महिंद्रा का मजाक बनाना है अगर हम उस पर शक करते हैं तो यार चीजों पर। बाकी इसके ऑटो रोटेशन, ब्रेक, पिकअप, इन सब की बात हम लोग कर लेते हैं। चलिए भाई इसे उठाते हैं पिकअप। ओ भाई रॉकेट है, रॉकेट भाई, एक आसमान में उड़ने वाला रॉकेट है, एक ये जमीन पर रॉकेट है भाई अपने सेगमेंट में, देख रहे ये सीन भाई। 80 पहुंच गई गाड़ी भाई, पता भी नहीं चला भाई, आसमान पे बैठ के गाड़ी चलाना, इतनी तो हाइट पे है ना गाड़ी। मैं यही बात इसलिए बार बार कह रहा हूँ भाई, बहुत हाइट है, आपको बैठते ही पता चल जाएगा, एकदम सीन भाई रॉकेट। उसका अभी रुकी, ऑटो रोटेशन भी चेक करते हैं यहीं पर, और बाकी चलिए पहले ऑटो रोटेशन चेक करते हैं यहाँ पर। भाई पूरा वापस आता है इसका स्टीयरिंग पूरा भाई, बहुत बढ़िया, इतनी भारी गाड़ी, इतने चौड़े टायर भाई, 255 का सेक्शन है इसके टायर का, 255 65 टायर 18 है शायद, इतने चौड़े टायर के बावजूद भी इतना बढ़िया सीन है यार। बस मुझे इस गाड़ी में एक कमी लगी यार, सस्पेंशन बहुत बेकार है महिंद्रा का, सही में बहुत बेकार है यार, उसमें मजा नहीं आया। बाकी तो महिंद्रा लाजवाब काम कर ही रहा है इस समय, XUV700 ले लो चाहे स्कॉर्पियो एन ले लीजिए, हर चीज में एकदम लाजवाब सीन है इनका। कि भाई महिंद्रा का ना इसका थार का मैं पूरा रिव्यू भी कर चुका हूँ वॉक अराउंड, वो आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी देखने के लिए मिल जाएगा। और भाई आप लोग वीडियो देखते हैं, व्यूज तो बहुत आते हैं यार, सब्सक्राइब भी कर दिया करो भाई, अपना ही चैनल है यार, उसको सब्सक्राइब भी करते रहा करो। इस गाड़ी का ना एक मुझे जो नेगेटिव पॉइंट लगता है यार, मेरी हाइट अप्रोक्सीमेट 6 फीट है,
सीट बहुत कंफर्टेबल है, मैंने अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट भी की है भाई, बिल्कुल मेरे क्लियरली पैर भी पहुंच रहे हैं नीचे वहां तक, लेकिन उसके बावजूद भी मेरी ये जो नी है ना यहाँ टकरा रही है। तो यहाँ पे यार ये जो जगह है यहाँ पे ये वाला स्पेस बहुत कम है यार, ये आप कितना भी एडजस्ट कर लो ये पैर आपका यहीं लग रहा है बार बार आके। तो ये चीज मुझे इसका बहुत यार नेगेटिव पॉइंट लगा, ये चीज ठीक नहीं है, क्योंकि यार गाड़ी को लंबे रूट पे आप ले जाओगे ये अभी तो ठीक है थोड़ी बहुत दूर के लिए, बाद में ये चीजें बहुत दिक्कत देती है। क्योंकि भाई सस्पेंशन चेक अभी करा है इसका, ठीक ठाक लग रहा है यार, लेकिन भाई नहीं अच्छा कि यार गाड़ी ना आपकी रफ एंड टफ लाई की है ये, आप सोचो इसे 100 120 लोग जाते हैं ना हाईवे पे 120 लगा लें 130, उसमें फिर आपको मजा नहीं आएगा यार, और वो वाला आपको कॉन्फिडेंस भी नहीं मिलेगा इस गाड़ी में जो आप चाहते हो कि आपको देखने के लिए मिले, जस्ट लाइक अ क्रेटा सेल्टोस इन सब में मिलता है, क्योंकि भारी वर्गम है ना तो वो वाला कॉन्फिडेंस भी आपको इसमें नहीं मिल पाएगा। बाकी तो गाड़ी में कोई कमी नहीं है एकदम बिंदास है, चलने में तो कोई दिक्कत नहीं है। भाई जो चीज़ मैं बार बार हाईलाइट कर रहा हूँ ना इसकी हाइट पे, भाई किस हाइट पे जो बैठते हैं इस हाइट पे, वो बहुत बढ़िया लगा मुझे इसका सीन। चलिए बाकी वीडियो को यहीं पे समराइज करते हैं। जो लोग चैनल पे नए हों भाई प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो और लाइक शेयर कमेंट करते रहें। थैंक यू।